मैं झुकेगा नहीं सहा। बैठ जाओगे कि यार होली भी पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो तड़ 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 तड़। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैड मैक्स व्लॉग्स। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं धनौल्टी, अभी प्लान तो धनौल्टी का है, अभी मैं अकेला हूँ, देखते हैं क्या होता है रास्ते में। तो बनी रही है इस वीडियो में, आगे तक मजा आने वाला है। बाय बाय टाटा। तेल तो तेल निकाल देता है। हाँ वो तो है, पर ये कि मेंटेनेंस का खर्चा बचेगा आपका। ओह माय गॉड, वाओ। तो फ्यूल अपना भर चुका है, तो अभी चलते हैं सीधा। अब सीधा चलते हैं। तो दोस्तों आज जो मैं जा रहा हूँ अकेले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं। किसी का प्लान था जाने का साथ में, बट हो गया नहीं। तो अभी चलते हैं अकेले, क्योंकि मज़ा तो अकेले में आता है एक्सप्लोर करने का यार। दोस्तों के साथ तो अलग ही मज़ा है, बट जो शांति और जो मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो मैं अकेले ही बनाऊँगा, क्योंकि अकेले में ही है मज़ा, भीड़ में है सज़ा। तो चलते हैं अभी, किस रास्ते से सोच रहा हूँ, इस रास्ते से जाता हूँ, इस रास्ते से निकलते हैं, क्योंकि खाली है यहाँ, आता मज़ा गाड़ी भगाने में। अंकल जी कहाँ जाना है, कहाँ जाओगे? थानो। तो चलो मैं आज रास्ता तक जा रहा, छोड़ देता हूँ आपको, ऊपर तक तो मैं जा ही रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। बैठ जाओगे इसमें? लगेगी तो नहीं आपके? बैठ जाओगे आराम से इसमें, मेरे को पकड़ के बैठ जाना, आराम से बैठो, आराम से ऐसे दोनों साइड टंगे करके बैठना, बैठो, मेरे को पकड़ लो, बैठ गए, मेरे को पकड़ लो, ना ना पकड़ना, मेरे को पकड़ना, ये तेज चलेगी, मेरे को पकड़ के रखो बस, टाइट करके। अंकल मुझे पकड़ लो, ये झटका मारती है ना। हाँ तो अंकल मिल गया हमें रोड पे, और अंकल कह रहे हैं थानो छोड़ने के लिए, तो थानो चलते हैं अंकल को छोड़ने। दिक्कत तो नहीं हो रही अंकल? हाँ आराम से बैठना, पकड़ टाइट पकड़ के रखना, ठीक है। तो मैं तो जा रहा हूँ देहरादून, और अंकल मिल चुके हैं, तो अंकल कह रहे थे मुझे थाना तक छोड़ने के लिए, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने को तो जाने, किसी ने किसी की हेल्प करते रहना चाहिए। तो चलो चलते रहते हैं। अंकल जहाँ पर छोड़ना होगा मुझे बता देना। अंकल की वजह से ना मुझे थोड़ा धीमे चलाना पड़ रहा है, क्योंकि अंकल काफ़ी एजेड हैं, तो अगर मैं ज़्यादा पिकअप दूंगा गाड़ी को तो उनको चोट लग सकती है, इसलिए मैं धीरे चला रहा हूँ गाड़ी को। अपना तो एक ही फंडा है, अगर आपको घूमना है ना तो निकल जाओ बस, प्लान मत बनाओ, क्योंकि प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होता यार। और कॉलेज लाइफ हो या फिर कुछ भी लाइफ हो, प्लान आज तक कभी किसी के सक्सेसफुल नहीं होते, तो इसलिए प्लान जो बनते हैं वो इंस्टेंट बनते हैं, इंस्टेंट। और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कहते हैं, सोचते हैं, देख के बताता हूँ ये है, अरे अपना तो जाना है। ओह तो देख सकते हो वहाँ पे क्या प्लेन से पूरा, और कितने दूर से आए हम नीचे से, और दूर दूर तक तो पहाड़ियाँ खाइयाँ दिखाई दे रही है, पर मुझे बर्फ नहीं दिखाई दे रही। जो प्लान था वो था धनौल्टी का, तो धनौल्टी के टर्न हम ले चुके हैं, और यहाँ से धनौल्टी आप देख सकते हो 30 किलोमीटर है, तो अभी मुझे 30 किलोमीटर ऊपर जाना है पहले सीधा। और ठंडा भाई साहब इतना खतरनाक हो रहा है, धनौल्टी की तरफ मुड़ के तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ आज लग ना जाए। कोई नहीं, हमने आए तो देख के ही जाएंगे। तो आज भी मेरी चल रही है R15, लग तो सेक्सी रही है, पर पता नहीं क्यों मेरे को यार R15 से अच्छी KTM लगती है। तो जो रास्ता है ना भाई, वो ख़राब होता जा रहा है, और संकरा होता जा रहा है, डरावना होता जा रहा है, वो देख सकते हो आप। इस रूट पे ज़्यादा गाड़ियाँ दिख नहीं रही मुझे, और नीचे देखो कोहरा पहाड़, अभी बादलों के ना मैं ऊपर हूँ बिल्कुल, देखो कोहरा ही कोहरा, ओहो हो ठंडा भाई।
काफी ठंडा हो रहा है यार, मतलब अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, बारिश हो रही ना इधर, बर्फ बर्फ का कुछ सीन दिख रहा है मुझे, वो ठंडा फिर भी बहुत हो रहा है। पैर मेरे जाम हो गए, पैरों में ठंडा लग रहा बहुत। ये जो रास्ता है ना काफी संकरा है यार, टर्न भी आराम से लेने पड़ेंगे अपने को। तो गैस अभी हम आ चुके हैं चाय पीने, और ठंड काफ़ी हो चुकी है, मेरे हाथ जो है जम चुके हैं, और मैंने यहाँ लोगों से हाथ गर्म कर चुका हूँ, और अभी हमें जाना है इससे कम से कम 20 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। अभी चाय पीते हैं और चलते हैं इसके बाद सीधा ऊपर, और चाय आ चुकी है अपनी, चाय पीते हैं। आगे शरीर में यार पूरे हाथ वाथ जम गए थे मेरे, अभी ठीक है, अभी हमें जाना है इधर से ही जाना है इधर, चलो चलते हैं। अबे कुछ नहीं दिख रहा मुझे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, विंडशील्ड में क्या हो गया, मुझे विंडशील्ड खोलनी पड़ेगी यार, ऐसे कुछ दिख नहीं रहा मुझे। ये विंडशील्ड खोल के दिखेगा, ऐसा तो मुझे भाई कुछ नहीं दिख रहा। अब चलते हैं आगे, अब यहाँ से जाना है 20 किलोमीटर आगे, और धीरे धीरे हल्के हल्के बारिश ही हो रही है, ये मुंह पे पड़ रहे, ये जो ओले पड़ रहे ना भाई बड़ी तेजी से पड़ रहे मुंह पे, और हमें जाना ऊपर ऊपर, शायद बर्फ पड़ी है 20 किलोमीटर ऊपर, तो चलो 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 चलो, स्पीड स्पीड कम, मैं झुकेगा नहीं साला, ऊपर जाके रहेगा। मैड मैक्स समझ के मैड समझेगा, मैं उससे भी ज्यादा मैड है, मैं झुकेगा नहीं सारा। एंट्रक आ रही है बाबा, अब बंद करना ही पड़ेगा, मैं झुकेगा नहीं सारा। चलो 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 चलो, बर्फ दिख गई, चलो ये देखो बर्फ गई, 28 साल का होने के बाद बर्फ देखने को मिल रही है। बर्फ वास्ते पहले सिर्फ फ्रिज में देखी थी या गिलास में, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो यार गाइस, मतलब मजा आ गया, मजा, क्या जगह है यार। अभी चलते हैं यहाँ से कम मुझे 18 किलोमीटर आगे जाना है, और 3 सेल बचे हैं मेरे पे तेल के, हम अकेले आ रहे, सोचो मेरे अंदर कितनी आ गई, मैं अकेले इतनी दूर आया हूँ, कम से कम मैं आया हूँ 85 किलोमीटर दूर अपने घर से, और मुझे 85 जाना भी है। तो भाई यही आग रहनी चाहिए अगर आपको व्लॉगिंग करनी है या फिर घूमना है, आग जलती रहनी चाहिए, ये नहीं ठंड लग रही है, ठंड लग रही है मुझे भी ऐसा नहीं लग नहीं रही है भाई, पर पूरी चौड़ है भाई के अंदर की, जाना है तो जाना है, बात करता हूँ। दोस्तों जो है तो हैवी ट्रैफिक था, हैवी ट्रैफिक से मैं निकल चुका हूँ, और आगे अभी हम जा रहे हैं, सीधा बारिश भी हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं, आप देख सकते हो, तड़ 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 तड़, मुंह में लग रही है, क्योंकि मैंने ना वाइजर खोल रखा, क्योंकि देख नहीं रहा, क्योंकि धुंधला धुंधला सा भी हो रहा है, ठंडा भी लग चुका है, पर मैं तुम्हें पता ही है रुकेगा नहीं साला, मैं ऊपर जाके रहेगा, और काफ़ी राइडर चल रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ, और सीधा हम ऊपर जाके ही रुकेंगे, सीधा बर्फ पे, अपने रुकना तो सीखा नहीं है। एक दिन बोला था ना मैंने, मैं चलना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता, तो वही अपना सीनियर लाइफ में, चाहे साला सर्दी लग जाए कोई टेंशन नहीं, ऊपर जाके रहेंगे, जाके रहेंगे। A few inches later. अभी मैं पहुंचा भी नहीं, आधे रास्ते पे ओले चालू हो चुके हैं, और इतनी ज़ोर से लग रहे हैं ना पैरों पे, ये देखो गाड़ी पे, पर मैं अभी आधे रास्ते पे हूँ, और मैं अभी आधे रास्ते में पहुंचा हूँ, अभी मुझे ऊपर जाना है, इसलिए भी आ रहा है, ओले स्टार्ट हो चुके हैं, और हाथ खराब है, ठंड बहुत हो चुकी है, तो अभी चलना है सीधा ऊपर की साइड। अभी मैंने जो साइड लिए इसके पत्थर के नीचे, छोटे पत्थर के नीचे जाना भी सही नहीं है, तो चलना सीधा। फाइनली बर्फ में पहुंच गए हम, काफ़ी जाम लगा हुआ है यहाँ पे, तो हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, क्या करूँ, एक घंटे से जाम में खड़ा हूँ।
तो फाइनली बड़ी जद्दोजहद के बाद हम पहुँच गए धनौल्टी तो नहीं पहुँचे, धनौल्टी के स्टार्टिंग में, और यहाँ पर काफ़ी जाम लग चुका है। ये देखो पूरा सामने पहाड़, और जाम इतना लग गया कि मेरे जो गाड़ी है वो वहीं खड़ी कर दी है। और भाई इतनी बुरे हाल हो रखे ना, जाना था भीड़ भाड़। पूरी जगह जाम ही जाम लगा चुका है, जगह ही नहीं है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घुस गए। बहुत ठंडा हो रहा, मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही, ट्रैफिक ही ट्रैफिक चारों तरफ। जाम में एक घंटे में जाम में खड़ा होता, अभी अपने को जाना है पहाड़ पे। अरे हेलो भैया, हेलो हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। तो ब्लॉगर ही ब्लॉगर नज़र आते हैं मुझे थोड़ी देर, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अभी जाम धीरे धीरे भी खुला है, और मैं तब से एक घंटे से इसी में खड़ा था। अभी चलते हैं पहाड़ के ऊपर, तो देखते हैं नज़ारा, और लोग मिलते जा रहे हैं काफ़ी, और ट्रैफिक तो इतना ज़्यादा है। तो अभी मुझे इससे काफ़ी ऊपर जाना है, मतलब एक पहाड़ चढ़ना तो पड़ेगा, एक पहाड़ चढ़ना तो बनता ही है। तो अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, तो काफ़ी देर हो चुकी है मुझे आते हुए, अकेले घूम रहा हूँ, एक हाथ में हेलमेट ले रखा है, एक हाथ में खुद, मेरी जो आवाज़ है वो भी थोड़ी बैठ चुकी है, क्योंकि आदत नहीं है ना। मैं पहली बार तो बर्फ में आया, तो ऊपर देखो पहाड़ तो ऊपर तो बर्फ है, और सामने जो है कोहरा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो मुझे जल्दी से जल्दी जो भी इंजॉय करना है इंजॉय करके और अपना घर को निकलना पड़ेगा, और ट्रैफिक जो है ऊपर तो नीचे का तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका है, और ऊपर का भी क्लियर नहीं हुआ। अंदर की तरफ पीछे वाली गाड़ी पीछे हो गई, पूरी घुमाओ, चलते हैं पहाड़ के ऊपर, फिर सीधी हो जाएगी। अरे वो बाकी वो ऊपर मजे ले रहे पूरे लोग, कोई रास्ता देखना पड़ेगा ऊपर जाने का। अब चलते हैं ऊपर, पर देखने मेरे पैर नहीं चल रहे। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, और देखो मिट्टी कैसी हो रही है। अब चलो पहले पहाड़ देखने ऊपर, जिसे देखने आ रखे। कोई साथ में होता ना तो काफ़ी मज़ा आता, बुलाया था मैंने दो चार को बट आ नहीं पाए, तो देख लेते हैं एक बार, अपडेट ले लूँ उनसे कहाँ है, पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अरे गंद काफ़ी मचा रखा लोगों ने भाई, तो चलना है और ऊपर। आखिर हम आई गए बर्फ में, और ट्रैफिक देखो कितना लगा हुआ। भाई फिसलन बहुत ज़्यादा है, और गिरने का डर काफ़ी है, दो तीन बार मैं फिसल भी गया हूँ, भाई जो तो बगल में वो फिसल गया। तो अभी चलते हैं आगे। ओहो इसके जॉइंट्स,
तो अभी चलते हैं भाई, आ चुका है भाई का फोन, आ चुका है जो यूट्यूबर उसका फोन आ गया कि मीटअप पे आ जाओ, उधर चल रहे हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलो सीधा नीचे। तो पैर काफ़ी फिसल रहे हैं मेरे, इधर से सीधा नीचे चल के, इधर से आया था मैं, आया तो इधर से ही था भाई। देख चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ से, चलना आराम से पड़ेगा। कीचड़ ही कीचड़ हो रहा, तो अगर आप आना चाहते हो धनौल्टी तो आ सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई से मिलने मसूरी, धनौल्टी का तो देख लिया, अभी मसूरी जाना बाकी है, मसूरी भी चलते हैं। और जो मैंने गाड़ी खड़ी कर रही है पीछे करी है, और जो मेरी आवाज़ है अभी बैठ चुकी है पूरी, चलते हैं अभी। चलो ट्रैफिक हो रहा है, काफ़ी निकलना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा। चलो भाई चलो आगे, चलो 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 पीछे हो गया। लोचा भाई ले रहा था क्लोज, और भाई ने एकदम गेट खोल दिया गाड़ी का, गाड़ी का गेट लग के सीधा भाई गिर गया नीचे। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने उसको उठाया वहाँ पे, और अभी मैं चल रहा हूँ घर, घर नहीं सॉरी से वास्तव मेरी गाड़ी ही नहीं, वेट काफ़ी हो रही है, मुझे ट्रैफिक से पहले निकलना पड़ेगा। मेरी बाइक घूम गई, बाइक कहाँ पर थी इसके आसपास। तो चालू हो चुकी है सुनो कबल, पर भाई आ चुका है, भाई नीचे बुला रहा है, नीचे चलते हैं। तो यहाँ से देखो ट्रैफिक, तो लग रहा है कि मुझे आज स्टे करना पड़ेगा मसूरी में, तो देखते हैं मसूरी में स्टे करते हैं और थोड़ा राइड कर लेंगे, और पेट्रोल की थोड़ी कमी है तो बाइक उठाते हैं और जल्दी से चलते हैं। बाय बाय टाटा। याद आ गया बाइक आ गया, तो इस ब्लॉग को यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, एंड करेंगे। और ये देखो ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, सही टाइम पे निकल गया, सही टाइम पे फोन आ गया भाई, ये हाल है, फंस गया यार अभी जाते टाइम आया हम, मैं दिक्कत ही हो रही है, बर्फबारी हो रही है, बर्फ पड़ रही है, और पीछे देखो पूरा जाम ही जाम लगा हुआ है, और आगे भी जाम जाम, और बीच में हम तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर फंस गए। ऐसा गर्मी हो रही है खतरनाक,
को गर्मी लग रही खतरनाक। एक बार मौज कर रही है भाई। तो दोस्तों मैं ट्रैफिक से निकल चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ वादियों में दोबारा से मजबूरी। चलो 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 चलो।